नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। बिहार में जिस बात का डर था आखिर वही होने जा रहा है और बिहार की एक बड़ी आबादी, बिहार का एक बड़ा इलाका प्रलय में विलीन होने जा रहा है, जल प्रलय में विलीन होने जा रहा है। और ये जल प्रलय इस प्रकार आने वाला है कि आप पूछिए मत। अब कोसी बराज से 56 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है पानी के डिस्चार्ज को लेकर। और ये खबर जो है अपने आप में विचलित करने वाली है, ये खबर अपने आप में डराने वाली है। और अभी से ठीक कुछ घंटे के बाद बिहार में बड़ी तबाही देखी जा सकती है, बहुत बड़ा संकट देखा जा सकता है। पहले से ही बिहार के कई इलाके हैं जो गंगा के रौद्र रूप को झेल रहे हैं। गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से बिहार के कई इलाके पहले से जलमग्न हैं, लेकिन उसके बाद अब गंडक और कोसी ने भी डराना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही नेपाल ने एक बार फिर से त्राहिमाम कराना शुरू कर दिया है। और नेपाल के बॉर्डर इलाके में हो रही लगातार बारिश का असर है कि 56 सालों का रिकॉर्ड हो सकता है कि टूट जाए। और कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी का जो है डिस्चार्ज किया जाएगा। और ये समय बताया गया है दोपहर के 12 बजे। इतना ही नहीं, गंडक से भी 6,00,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होना है और इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब बिहार में बड़ी तबाही, बड़ी त्रासदी का संकेत मिलने लगा है। और कुछ घंटे के बाद क्या स्थिति पैदा होगी, क्या हालात पैदा होंगे, वो तस्वीर जब निकलकर सामने आएगी तो वो भी अपने आप में भयावह होगी। हालांकि इसे लेकर पहले से ही लोगों को आगाह किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है, लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन जब इलाके डूबने लगेंगे, इलाके जलमग्न होने लगेंगे, हालांकि कई इलाके पहले से जलमग्न हैं, लेकिन यह बड़ी तबाही आ रही है क्योंकि 6,81,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा जाएगा तो 56 सालों के इतिहास में यह पहली दफा होगा जब कोसी नदी का जो इलाका है, कोसी का इलाका जो है सीमांचल का, वो जलमग्न होता हुआ पूरी तरीके से नजर आएगा। कई घर बार टूटने का अंदेशा है, कई गांवों के डूबने का अंदेशा है और जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में तबाही की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब देखिए जो खबर है, सुपौल सहित पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। कोसी नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी शुरू है। शनिवार की दोपहर 12 बजे तक 6,81,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की बात कही गई है। डीएम कौशल कुमार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही तटबंध के भीतर रह रहे लोगों से बाहर निकलने की अपील कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोसी 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, यानी कि अब जो है 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जो है आज होगा, कुछ ही घंटों के बाद होगा, तो समझिए हालात किस प्रकार पैदा होंगे। डीएम ने लोगों से बाढ़ आश्रय स्थल और ऊंचे स्थान पर शरण लेने की अपील की है और साथ ही जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। मतलब जल संसाधन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोसी पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों पर जगह जगह अभियंताओं की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है और निगरानी के साथ एहतियात बरतने की बात कही गई है। देखिए निर्मली, वीरपुर और सुपौल सदर अनुमंडल के एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की टीम भी कोसी पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों पर पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी है। अब डीएम ने बताया है कि शुक्रवार की रात से ही कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने की प्रबल संभावना है और आज की जब बात करेंगे तो 12 बजे तक कोसी नदी का डिस्चार्ज 6,81,000 क्यूसेक हो सकता है, तो समझिए तबाही कितनी होगी। कोसी नदी के जलस्तर में व्यापक बढ़ोतरी से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा सहित कई जिलों में भी तबाही मचने की संभावना जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग के कोसी डिवीजन में कार्यरत अभियंता ने बताया है कि कोसी नदी का डिस्चार्ज 6,81,000 क्यूसेक होना भारी खतरे का संकेत है, इससे 3-4 जिलों में भारी तबाही जो है वो मच सकती है। अब इतना ही नहीं, जल संसाधन विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और कैसे इसमें आगाह किया गया है सभी को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से जो लेटर है उसके मुताबिक 27/9/2024 से नेपाल प्रभाग में निरंतर अत्यधिक और अप्रत्याशित वर्षपात जारी है, जिसके फलस्वरूप आगामी 48 घंटों के दौरान नेपाल प्रभाग से उद्गमित होने वाली गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों में अप्रत्याशित जलस्राव प्रवाहित होने की संभावना है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र पटना द्वारा निर्गत पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 28/9/2024 को रात के 12 बजे वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से 6,00,000 क्यूसेक और दिनांक 28/9/2024 को ही दोपहर के 12 बजे वीरपुर स्थित कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक जलस्राव यानी कि वाटर डिस्चार्ज होने की प्रबल संभावना है, जो अब तक प्रवाहित अधिकतम जलस्राव के सन्निकट होगा। अब देखिए उक्त संभावित स्थिति के आलोक में विभागीय स्तर पर प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सरण और अभियंता प्रमुख मुख्यालय सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब देखिए बैठक के दौरान स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। अब क्या कहा गया है इसके नीचे भी देखिए,
संभावित आपदा की स्थिति के मद्देनजर संबंधित जिला प्रशासन को भी सभी आवश्यक एहतियात कार्रवाई करने, तटबंध के नदी भाग में आवासियों को अवगत कराते हुए यथोचित कार्रवाई करने और बाढ़ आपदा के लिए जिला प्रशासनिक स्तर से गश्ती सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। और ये जो है जल संसाधन विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ी बर्बादी की तस्वीर एक बार फिर से निकलकर सामने आ सकती है। अब क्या हुआ है, सुपौल और सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले में कोसी दियारा में बसे लोगों के लिए ये दिन जो है, आज का दिन अगर बात करें तो बेहद आफत भरा हो सकता है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब कितनी बड़ी तबाही होने वाली है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है, अधिकारियों को कह दिया गया है कि आप एहतियात बरतिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो सकता है तो लोगों के जान माल का हो सकता है। लोग इस बाढ़ की त्रासदी में खुद को कैसे बचाएं और कैसे अपने घर बार को बचाएं, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल नेपाल कहा जाना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से बिहार को ले डूबने वाला है। और नेपाल के इलाके में जो बारिश हो रही है, नेपाल के बॉर्डर इलाके में जो बारिश हो रही है, उसका असर बिहार में एक बार ऐसे दिखने जा रहा है कि मानो जल प्रलय आने वाला है। और ये संभव है क्योंकि 12 बजे तक की टाइमिंग गई है और जैसा कि हमने लिखा भी है और बार बार बोल भी रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद बिहार में प्रलय वाली स्थिति पैदा हो सकती है। कोसी के कई इलाके जो है वो डूब सकते हैं, कोसी इलाके के कई जिले जो है वो डूब सकते हैं और इस त्रासदी में कई लोगों के हताहत होने की संभावना प्रबल है। और यही कारण है कि एहतियात प्रशासनिक तौर पर भी बरती जा रही है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी तस्वीर है। 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होना कोसी बराज से, समझ रहे हैं, कोसी से अगर इतना पानी डिस्चार्ज होता है तो वो पानी जाएगा कहां, उस पानी का ठहराव कहां होगा। मतलब टोटल अगर बात करें तो इलाके में हड़कंप की स्थिति पैदा हो चुकी है और कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि स्थिति हाथ से बेहाथ हो जाए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, सरकारी स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में लोगों कि अगर बात समझे तो लोग हर साल की त्रासदी झेलने को एक बार फिर से मजबूर हैं, लेकिन ये थोड़ा नया होगा, ये थोड़ा भयंकर होगा, भयावह होगा, क्योंकि 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज पिछले 56 सालों में कहा जा रहा है कि नहीं हुआ है और 56 सालों का रिकॉर्ड इसके साथ ही टूट सकता है कोसी नदी का। अब देखिए इस संबंध में सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने बताया है कि नेपाल प्रभाग स्थित कोसी के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए कोसी नदी के डिस्चार्ज में शुक्रवार की सुबह से ही बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार की शाम 6 बजे कोसी बराज से 1,11,290 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जिलाधिकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर 12 बजे कोसी बराज से 6,81,639 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है। ऐसे में कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच बसे लोगों को बाढ़ और कटाव का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि तटबंध के अंदर इलाकों में माइकिंग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोगों को सतर्क करने और आवश्यक बचाव कार्य के लिए सलाह निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की भी तटबंधीय सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, इसलिए क्योंकि बाढ़ का खतरा है और ये खतरा इतना बड़ा है कि इससे जान माल का नुकसान हो सकता है और यही कारण है कि बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है। लेकिन जरा समझिए कि तस्वीर कैसी होगी, बिहार में क्या फिर से जल प्रलय आने वाला है, बिहार के कोसी का इलाका क्या फिर से एक बार फिर डूब जाने वाला है। और ये संभावना प्रबल इसलिए है क्योंकि बार बार आगाह किया गया है और वहां के जो स्थानीय प्रशासन है, जो बीरपुर का इलाका है, सुपौल का इलाका है, नेपाल का बॉर्डर इलाका है जो बिहार के अंतर्गत आता है, उन इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए जिला प्रशासन ने आगाह किया है लोगों के जान का नुकसान हो सकता है, लोगों के घर मकान का नुकसान हो सकता है और ऐसे में बिहार एक बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ सकता है कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे, हम यही प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसी कोई खबर ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना बने, लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए हैं बारिश को लेकर के, उसे देखने के बाद यह लगता है कि यह स्थिति बनने वाली है और इसे कोई टाल नहीं सकता है क्योंकि लगातार कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है और 6,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होना 12 बजे से 1 बजे के बीच लगभग तय माना जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।